Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। लगता है सलीम सुलेमान को पवन सिंह की आवाज से प्यार हो गया है। अब आप पूछेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और म्यूजिक कंपोजर प्रोड्यूसर सलीम सुलेमान मर्चेंट भाइयों की तिगड़ी एक बार फिर से भारतीय संगीत जगत में सुर्खियों में है। वजह है उनका नया गाना याद आती नहीं, जो कल ही रिलीज हुआ है। ये हिंदी सैड सॉन्ग सलीम सुलेमान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है और 24 घंटे के अंदर ही ये टॉप 4 पर ट्रेंड भी कर रहा है। 24 घंटे के अंदर इस गाने को 16 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि सलीम सुलेमान और पवन सिंह का कोलैबोरेशन इससे पहले गाना बबुनी तेरे रंग में देखने को मिला था, जो खूब वायरल हुआ था। उसके बाद अब एक बार फिर से दोनों की दस्तक ने उनके फैंस के बीच जुनून पैदा कर दिया है। तभी गाना याद आती नहीं है को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल ये एक इमोशनल गाना है जो दिल से कनेक्ट होता है। दोनों पिछले कुछ दिनों से इस हिंदी सॉन्ग याद आती नहीं को लेकर काफी चर्चा में थे, जिसे लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इस इमोशनल म्यूजिक वीडियो को सलीम सुलेमान ने तैयार किया है। गाने का म्यूजिक कमाल का है, जो कि श्रद्धा पंडित के लिरिक्स के साथ दिल में दस्तक दे रहा है। इनका वीडियो रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया और ये लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। बात अगर इस गाने के म्यूजिक वीडियो की करें तो पवन इसमें पंजाबी एक्ट्रेस प्रियंका खेरा के प्यार में नजर आ रहे हैं, मगर वो पवन सिंह को धोखा दे देती है और किसी और से अफेयर कर बैठती है, जिसे एक दिन खुद पवन सिंह अपनी आंखों से देख लेते हैं और उनका दिल वहीं टूट जाता है। पवन सिंह वीडियो में एकदम टूटे हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने भी कभी प्यार किया है और आपका भी दिल टूटा है, तो यकीन मानिए गाने के लिरिक्स इतने प्यारे हैं कि आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पवन सिंह अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पवन सिंह अपने दिव्यांग फैन के साथ सड़क के किनारे बैठे हैं और बाद में उन्हें वो अपने घर ले जाकर खाना खिला रहे हैं। दरअसल बेगूसराय जिले में बीहट के रहने वाले कुंदन पवन सिंह के फैन हैं। शरीर से कुंदन दिव्यांग हैं। पवन सिंह को जब जानकारी मिली कि एक दिव्यांग उनके घर के बाहर पिछले 3 दिनों से बैठा हुआ है और पवन सिंह से मिलने के लिए बिहार से आया है, तो पवन सिंह उससे मिलने तुरंत ही वहां पहुंचे और उसके साथ बैठकर खूब बातें भी की। फिर उसे अपने घर के अंदर ले आए, खाना खिलाया और कुछ मदद देकर विदा किया। खैर, सलीम सुलेमान मर्चेंट भाई पवन सिंह को अपने गाने में क्यों लेते हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।